मिले हैं। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक रिया के ड्रग्स कनेक्शन में अब्दुल बासित परिहार सबसे बड़ा चेहरा है, जो शोविक तक ड्रग्स की सप्लाई करता था। इस मामले की परत तक पहुंचने के लिए न्यूज 18 सबसे पहले बासित के घर ब्लू फ्लेम अपार्टमेंट तक पहुंचा, जो कि बांद्रा वेस्ट में है। न्यूज 18 ने बासित के पिता से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की। जानकारी के मुताबिक बासित और शोविक की मुलाकात फुटबॉल क्लब में प्रैक्टिस के समय हुई थी और यहीं से हुई दोस्ती आगे ड्रग्स सप्लाई का जरिया बनी। इस मामले में 5 और लोग भी हैं जिनकी एनसीबी को तलाश है। तो बासित से मुलाकात बांद्रा के फुटबॉल क्लब में हुई थी और उसके बाद दोनों के बीच दोस्ती ज्यादा गहरी होती है। बासित का रिया के घर पर आना जाना था, ये सबसे बड़ा सबूत है एनसीबी के पास। जो व्हाट्सएप चैट है, जो कॉल डिटेल्स सामने आई है, उसके बाद अब चक्रवर्ती परिवार पर एनसीबी का शिकंजा कसा हुआ है और इसमें कई किरदार हैं। हम सैमुअल मिरांडा की बात कर रहे हैं, हम बासित की बात कर रहे हैं, जैद की बात कर ले, इब्राहिम की बात कर ले, करण की बात कर ले, लेकिन ये नेक्सस काफी बड़ा था क्योंकि जो ड्रग्स डीलर्स हैं सबसे अहम जैद और बासित, इन्होंने एनसीबी को ये बताया कि इसमें कई और चेहरे हैं जिन तक ये ड्रग्स सप्लाई करते थे। विदेशों से भी ड्रग्स की मांग की जाती थी। आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आनंद, बहुत